तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो यहां पे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए था। अगर 3 + 2 रूट 2 एक रूट है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और 4 + 2 √3 रूट है, ay² + my + n इज इक्वल टू 0, और इनके कॉफिशियंट सारे इंटीजर्स दे रखे हैं, x² का भी, x का भी एक कॉन्स्टेंट उधर से, y² का भी, y का भी, और n रैशनल नंबर भी दे देता। तो अगर 1 √3 + 2 √2 है तो डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा, 3 - 2 √2। डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा, 3 - 2 √2। ठीक है, बैठ जाओ, इधर देखो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है 3 + 2 √2। एक रूट क्या बच्चे, 3 + 2 √2। तो डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा बच्चों, तो सम क्या हुआ, 3 + 3 = 6, और 2 √2 से 2 √2 कट हो गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ बच्चों, 3 + 2 √2 × 3 - 2 √2, तो कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, a + b × ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b × a - b, a² - b² 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, 9 - हाँ तो 3 √2 का स्क्वायर, a + b × a - b, हाँ 9 - 8 1 हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई। अब अगर मुझे सम ऑफ रूट्स पता है और मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो ये बात तो मेरे को 10th में भी पता लग गई थी क्या, कि जो इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं बच्चों, x² - sx + p, x² - sum of zeros, तो सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या आया, 6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, -1। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इससे मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है, -6। समझ गए मेरी बात, ठीक है, x² - sx + p होता है ना, और सी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1। ये अपने पास संभाल के लिख लो ये वैल्यूज, क्या ए की 1 लिख लो, बी की -6 लिख लो, सी की 1 लिख। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड इक्वेशन के एक रूट 4 + 2 √3 है सेकंड का, तो मान लो उसका रूट कुछ भी कह दो, एक है 4 + 2 √3, 1 रूट कह देते हैं, तो सेकंड रूट क्या होगा बोलो, पक्का ही 4 - 2 √3। सम क्या आएगा बच्चों, 4 + 4 = 8, और 2 √3 से 2 √3 कट हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगा जल्दी बताओ, a + b × a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, और 2 √3 का स्क्वायर करना 12, 16 - 12 4 आ जाएगा, a + b × a - b, a² - b² 4 का स्क्वायर 16, 2 √3 का स्क्वायर 12, 16 - 12 4, प्रोडक्ट 4 आ गया। अब इसका अगर मैं बनाने बैठूं इक्वेशन, x² - sx + p यहां पे y की फॉर्म में है, तो y² - sx (sy) सम क्या आया था बच्चों, 8 -8y, और प्रोडक्ट क्या आया था, 4। यहां से कंपेयर करने पे ए की वैल्यू 1 ही आ गई, वो तो 1 ही थी वैसे ही, एम की वैल्यू क्या आ गई, -8, एम की वैल्यू क्या आ गई, -8, और एन की वैल्यू क्या आ गई, 4, और सब वैल्यूज आ चुकी हैं, ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, एम भी आ चुका है, एन भी आ चुका है। अब फाइनली उसने क्या पूछा, b/m, b/m,
-6/-8 प्लस सी माइनस टू बी, टू इंटू बी क्या बेटा -6 अपॉन एन क्या आया था बच्चों, 4। एन क्या आया था 4, तो 6/8 का मतलब 3/4 और प्लस का 12 प्लस 1 13/4, 16/4, तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों 4। तो जो इसकी ऑप्शंस थी 1 2 सी 4 थी और डी 0 थी, तो हम क्या मार्क करके आएंगे बच्चों, सी यानी कि 4। अब समझ आया, किसी को कोई डाउट।